नमस्कार, अन्वेषण आईएएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो पेरिस ओलंपिक चल रही है 2024 की, उसमें यदि मेडल टैली यानी कि मेडल रैंकिंग यदि आप देखोगे, पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी देश है वो इंडिया से आगे है। इसके कारण क्या है, कौन सी बेसिस पे ये रैंकिंग दी जाती है, वो सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब मत करिए हमारे चैनल। चलिए देखते हैं। जैसे आपको पता है कि टीम मेडल्स होते हैं, एक गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज होती है, जो फर्स्ट रैंकर को गोल्ड दी जाती है, सेकंड को सिल्वर, तीसरे को ब्रोंज दी जाती है। तो खास करके यदि आप देखोगे, जब पाकिस्तान को एक गोल्ड मिल गई जैवलिन थ्रो में और भारत को उसी जैवलिन थ्रो में ब्रोंज यानी कि सिल्वर मिली है सेकंड रैंक में, तो उस समय में हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो भारत से ऊपर चली जाती है। यानी कि ऑल दो इंडिया यानी कि भारत, आप यदि देखोगे पाकिस्तान से ज़्यादा उसको मेडल्स मिली है, बट पाकिस्तान की रैंक जो है वो ज्यादा है, भारत से काफी ऊपर। जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक यदि भारत की यदि आप देखोगे खास करके मेडल के टाली, तो कुछ ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 5 टोटल मेडल्स मिल चुके थे। आप देखोगे भारत की रैंकिंग जो है वो 64 में है और पाकिस्तान की जो रैंक है वो 53 में। रैंकिंग जो खास करके गोल्ड मेडल पे ही की जाती है, जैसे आपको दिखाई पड़ रही होगी भारत में एक भी गोल्ड नहीं है, एक सिल्वर है, 4 जो है ब्रोंज है, पाकिस्तान में एक गोल्ड है, इसलिए पाकिस्तान की रैंकिंग 53 में आ गई है और भारत की 64 में। जब दो देशों की गोल्ड मेडल की टैली यदि समान हो जाती है, सेम हो जाती है, तो फिर ये देखा जाता है कि सिल्वर में कितना कौन सी कंट्री को हाईएस्ट मिला है, तो उस हिसाब से क्या होती है रैंकिंग की चेंजेस की जाती है। सपोज आप देखोगे कि गोल्ड और सिल्वर दोनों सेम हो जाती है, फिर ब्रोंज में कौन सबसे ज्यादा मिला है उसको दी जाती है। तो इस तरह से देश के बीच में रैंकिंग की जाती है, यानी कि गोल्ड को प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए गोल्ड के हिसाब से रैंकिंग बनाया गया। इसलिए आप देखोगे बोस्टवाना, बहरीन, डोमिनिका, इस तरह से जो कंट्रीज हैं वो एक एक मेडल ही है, बट एक एक गोल्ड है, जिसके वजह से आपको ये चीज दिखेगी कि इंडिया से उनकी रैंकिंग जो है वो ज्यादा है, यानी कि अधिक। भारत यदि एक गोल्ड ले आती है, लगभग आप देखोगे भारत की रैंक जो है वो काफी आगे निकल जाएगी, क्योंकि भारत के पास अभी, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 5 गोल्ड है, सॉरी 5 मेडल है, और उसमें दी एक गोल्ड मिल जाती है तो हमारी रैंकिंग काफी ऊपर तक चली जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इस तरह से और भी वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।